बड़े सोच समझ के कहेंगे हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है हम सबकी है पहचान हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान ये व्यूवर्स हमारे आए हुए हैं सखर से एक भाई आए हुए हैं सखर से आए हुए हैं अपना नाम बताएं और जल्दी से बता दें सही जा उर्स मुबारक है हां दोस्त बाल हक जा इन जगह आया हूं ट्रेड ही थे हुंदा से सहायक बर्दा यस आ मेरी शहजादी ये मक्खियां हैं सारियां पक्का झलने आ ना ये थक के आऊं जल जल के भी हैं लगा जल जल के थक गए आऊं थक गए हो अम्मा जी अम्मा ये केवे दिते ये वाला डब्बा हां वही डब्बा कितने का पड़ेगा याद करा दो 300 का 300 का और ये वाला ये 150 का भाई ये 150 का अच्छा अस्सलाम वालेकुम वेलकम करती हूँ आप सबको अपने इस फैमिली व्लॉग में कैसे हैं आप व्यूवर्स खैरियत से हैं आज मेरा और सोबिया का बिल्कुल सडन प्लान हुआ कि जी हमने आज ये वाला व्लॉग बनाना है अच्छा जनाब ये कि सुबह मुझे सोबिया की कॉल आई कि आसफा बाजी वैसे इसके मैंने ज़िम्मे लगाया हुआ था मैं अभी आपसे वो शेयर नहीं कर रही कि आज जो पहले हमारा प्लान था व्लॉग का वो कौन सा था और उसकी वजह से मैं ज़रा लेट हो गई अच्छा जी जब वहाँ पे हम पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जी अब तो टाइम ख़त्म हो गया है हमने आपको सुबह 10 बजे का टाइम दिया था और आप बहुत लेट आई हैं वाकई मैं बहुत लेट गई थी वहाँ पर मैं पहुँची हूँ तकरीबन 2:30 बजे दोपहर को और उन्होंने कहा कि जी अब तो जो हमारे पास ऑर्डर आया हुआ था वो ख़त्म हो गया वो जा चुका है तो इंशाल्लाह जब जैसे ही नया ऑर्डर आएगा तो वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे अच्छा तो जनाब मुझे सोबिया ने कहा कि आसफा बाजी जब हम आए हुए हैं और यहीं साथ ही नज़दीक ही खड़े हैं तो क्यों ना हज़रत शाहरुख ने आलम का उर्स लगा हुआ है तो हम वहीं का आज अपना कंटेंट बनाते हैं व्लॉग बनाते हैं और सिंधी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं सिंधी भी ब्लोची बालू वीडियो चूड़ी की बनाऊँ तुम्हारी ना बनाऊँ अच्छा तुम्हारी नहीं बनाती 120 रुपये दर्जन अच्छा जौन सी भी ले लें कहाँ से आई हो थोड़ा सा ऊंचा बोलना सोबिया थोड़ा सा ऊंचा बोलो रब जानते हुसैन जाने रब जानते हुसैन जाने देख तू इंदा वास्ता मंग ले दुआ रब जानते हुसैन जाने रब जानते हुसैन जाने के साही बदे। साही स्पीड भी है। स्पीड। है। कितने के दिए हैं गोलगप्पे जी कितने के हैं गोलगप्पे 100 के 6 मतलब 20 रुपए का 15 रुपए का एक 20 रुपए का एक 20 रुपए का एक तो फिर कितने का बना 6 बने या 5 बने हाँ 6 बने 20 का एक 100 के 6 100 के 6
तो आपने कोई वो कवर वगैरह जाली नहीं लगाई हुई? मक्खियां हैं एकदम, मौसम खराब है। खुशी मुझे इस चीज़ की थी कि मेरे पास एक अच्छा कंटेंट आ गया, लेकिन दुख मुझे इस चीज़ का हुआ कि जब मैंने यहाँ के मज़ारों का जो मैंने हाल देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। आप ये देखें कि हम जब करबला जाते हैं, ज़िंदा मौजज़ा है करबला, ज़िंदा मौजज़ा है कि वहाँ पर जो इतने उन्होंने अपने जो वहाँ के उन्होंने रोज़ों की हरम की, जो भी आप जिस रोज़े हरम पर जाएंगे, उन्होंने इतनी वहाँ पे सफाई रखी हुई है, इतना एहतराम वहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर व्यूवर्स ये बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं जितना पैसा यहाँ पर लोग इनको जो, मुझे नहीं पता कि कितनी यहाँ पर उगाड़ी होती होगी, लेकिन बहुत अफसोस हुआ है कि उस तरह से बिल्कुल भी निज़ाम नहीं चल रहा। हाँ जी, नाम आसफा। ये जनाब हमारी निकालने का फॉल, बड़ा सोच समझ के निकाल रहे हो। वाह जी वाह, देखते हैं जी क्या फॉल निकली है। ए साहब, फॉल तुम्हारे कारोबार में बरकत होगी माशाल्लाह, और आमदनी में तरक्की होगी माशाल्लाह। ऐसे शख्स की क्या है, गीबत और हसद का ख्याल ना करो जो तुमसे हसद करता हो। तुमको चाहिए कि खुदा की रजा पर राजी रहो। सबर शुक्र तुम्हारी बेहतरी व बर्तरी का असली राज है। रंग पत्थर याकूत अच्छा होगा। वाह जी वाह। अच्छा, और मैं बेबी फॉल कटवा सकती हूँ, एक और फॉल भी निकलवा सकती हूँ। चले निकालें वो भी। बाबा जी आप, और ये मुझे बताएं कि ये पूछे कि मैं जवारी पे कब जाऊंगी? आसफा, जवारी पे मैं कब जाऊंगी? बड़े सोच समझ के कहें दे। ऐसा ही फाल खुश हो जाओ कि अनकरीब तुम्हारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और हस्ब ख्वाहिश मुरादें हासिल होंगी माशाल्लाह। जरा तुम बदखल्क हो, ये आदत बहुत है। अच्छा, पिछले दिनों में तुमने किसी से कोई भलाई की बात की है? अगर खुदा ने चाहा तो अंजाम बहुत नेक है। वाह, या काफिजों का बाकायदगी से विर्द क्या करें। वाह वाह माशाल्लाह। लेने बाबूजी दो फालों का, एक फाल का 50 रुपए, दो फाल निकलवाए हैं 100 रुपया। वाह 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 माशाल्लाह। चलो जी ओके। हैंड ते उच्च तल्ले जरूर बैठो, लंगिन अल्लाह मुखले की कड़ी बने। अच्छा, अगर यही औलिया कराम करबला में होते, ईरान में होते, या कहीं और होते, तो यकीन करें कि ये बहुत कदर की जाती। इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल कि मैं हैरान हो रही थी कि एक तो देखिए, जब जूते भी आप वहाँ पर जमा करवा रहे हैं तो उसके भी पैसे, हर चीज़ के पैसे। दमदमा पे जाकर जो मुझे अफसोस हुआ है, वहाँ पर जो हालत थी, उफ़, मैं या अपने बचपन में गई हूँ या फिर आज मैं गई हूँ, पता नहीं कितने में अरसे के बाद मैं गई हूँ, और जो मुझे अफसोस हुआ कि मैं अब जितना मैं अफसोस करूँगी उतना कम है। देखिए आप यहाँ पर इधर बिल्कुल भी इनकी यहाँ पे जहाँ पे इनका रोज़ा बना हुआ है, कोई इनकी कोई लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जो बस बन गया पता नहीं कितने 100 साल पहले बना, बस वही कुछ है। मौला ने ऐसे नहीं करबला को इंतखाब किया, ऐसे नहीं इंतखाब किया। वहाँ के लोगों की मोहब्बत, वो जिस तरह से ज़ायरीन की खिदमत करते हैं, वो जिस तरह से अपने मौला से मोहब्बत करते हैं, और वहाँ पर वो नज़र भी आते हैं। आप यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, मैं तो आपको बयान नहीं कर सकती
कि करबला में ईरान में कितना ज़्यादा वहाँ दो हैं दो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, एहतराम किया जाता है। हम कहाँ जा रही हैं? हम आप जा रहे हैं दम दमा। दम दमा पर हम जा रहे हैं। और कितनी सीढ़ियाँ हैं इसकी? बहुत बड़ी हैं, ये तो जाएंगे तो पता चलेगा उधर। अच्छा हाँ जी, चलो चलते हैं, चलते हैं। अभी टिकटा गिनो। हाँ मैं लिखो है बेचा में ना। हाँ जी टिकटें लो आप सोबिया। अच्छा फ्री टिकट है जनाब 10 रुपये, 10 रुपीज की एक टिकट। अब यहाँ से हम लेंगे टिकट। लंगड़ा है ये देखें जी, ये बनाया हुआ है तांगा जो कि मुल्तान की है शाही सवारी। अब तो खैर तांगे होते ही नहीं हैं। और ये जनाब बेचारा है लंगड़ा। व्यूवर्स अब जो आप ये पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये जो मुल्तान की सकाफत थी और जिस तरह से यहाँ के जो हुक्मरान थे और जो सल्तनत करते थे, जो तरीका था यहाँ के बादशाहों का, ये सब इन्होंने इन तस्वीरों में उस चीज़ को दिखाया हुआ है। और लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, अगर आप म्यूज़ियम की हालत देखते ना, अगर सच्ची बात है कि देखिए एक हमारी हिस्टोरिकल प्लेस है, आप कम से कम जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनका ख्याल रखें, उनको आप मेंटेन करें, आप जो वहाँ की जो अब जिस तरह से उर्स लगा हुआ है और आपको जो कमाई हो रही है आप इसके ऊपर लगाएं। हमारे हुकूमत को चाहिए कि आप इसको बनाएं, आप इसको सही करें ताकि जो बाहर के लोग आएँ, जो फॉरनर्स आएँ वो देखें आकर, और वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। हमारे बच्चे देखें, हमारी जो जनरेशन है वो देखें, जो आने वाली हमारी जनरेशन हैं वो देखें। लेकिन मजाल है जी, उन्होंने कुछ इनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ हो, मुझे यकीन करें कि शुक्र है कि मैं मास्क लेकर गई थी। अगर मैं मास्क ना लेकर जाती तो मैं, सच्ची बात है, मैं बेहोश होकर मैंने आना था। इतनी बुरी हालत, बुरा हाल किया हुआ है इन्होंने। अल्लाह ऊपर जाना है ना। आओ जी हालत देखें आप जरा, इतना बुरा हाल किया हुआ है। और जो अब आप ये देख रहे हैं ये है दमदमा। दमदमा के ऊपर आप खड़े होकर पूरा मुल्तान आप देखती हैं, आपको सारा जो मुल्तान है ना यहाँ से खड़े होकर नज़र आता है। और आज बाय चांस जो है हमारे मुल्तान का वेदर बहुत ही ज़बरदस्त था और बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और बादल थे बहुत ही, मैंने इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और मैं खुश हुई कि मैं मज़ारों को देखकर और उसके बाद जो ये मैंने किले को देखकर, दमदमा को देखकर जो मुझे अफसोस हुआ वो ये कि मेरी मायूसी जो थी ना ज़रा कुछ कम हो गई थी। और वाकई सिंधी बलोची बहुत आए हुए थे। और अभी तो चले उर्स है ना, तो उर्स की वजह से इस तरह के कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन उसके अलावा भी तो लोग आते होंगे। ज़ाहरी बात है हमारा मुल्तान जो है सेंट्स ऑफ सिटी कहा जाता है, हमारे मुल्तान को औलिया कराम का शहर कहा जाता है। और बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, बड़े शौक़ से देखते हैं। क्या देखें मुझे ये तो बताएं आप व्यूवर्स, आप क्या देखें, हम क्या दिखाएं, हम लोगों को क्या दिखाएं जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आएँ वो इतने दिल से आकर देखें कि जी हमें आप किले पर लेकर जाएं, हमें आप मज़ारों पर लेकर जाएं, आप हमें दमदमा दिखाएं। क्या अब आप ये देखिए, ये हमारे मुल्तान के जो बड़े नामवर जो पहलवान थे ये उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये हाथू खान पहलवान मुल्तानी हैं और एक और भी जिन्होंने अपनी लाइफ में जब तक वो ये पहलवानी करते रहे उन्होंने कभी भी शिकस्त उनको नहीं हुई।
तो अब ये देखिए ना, ये चीज़ें ये आपकी एक उसमें तारीख में होनी चाहिए। और ये सब जो हमारे जो मुल्तान के जिस तरह से जो बादशाह थे, ये उनकी ये तस्वीर, ये आप ये देखें, आप ये क्या किस तरह से लगी हुई, आप हालत तो देखें, पान की पीकें। बस मैं आपको बता रही हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना मास्क लेकर गई थी। और जो अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये अब्बासी ख़ानदान के जो नवाब थे, ये उनकी लगी हुई है। आप इनकी ये हालतें तो देखें कि किस तरह से जो इनके टैग्स लगे हुए हैं, शुक्र है ये टैग इन्होंने लगाए हुए हैं, वो उससे मुझे कुछ अंदाज़ा हो रहा था। ट्रेन को देखकर तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं बन जाऊँ सिमरन और सोबिया बन जाए राज। और उसके बाद जो है ना, चलती हुई ट्रेन से मैं अपने राज को जो है ना अपना हाथ पकड़वा दूं। और जनाब उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि भाई आप जो है ना थोड़ी देर के लिए ये लॉक खोल दें। उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने लॉक खोल दिया। और उसके बाद अंदर खूब गर्मी थी, वैसे बड़ी नीट एंड क्लीन इन्होंने रखी हुई थी, जो ये अपना रेस्टोरेंट बना रहे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन इन्होंने अंदर से रखा हुआ था। और इन्होंने कहा कि बताया कि जी बड़ी ईद पर इसकी ओपनिंग हुई है, और भी कुछ जो ब्लॉगर्स हैं वो ब्लॉग वगैरह वो बनाकर जा चुके हैं। खैर मैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। और उसके बाद ना पंखे थे ना लाइट्स उन्होंने ऑन की हुई थी, लेकिन भाई उनकी मेहरबानी कि उन्होंने फौरन ही दरवाज़ा वगैरह खुलवा दिया। वैसे फिर ये कि मैंने उन्हें कहा कि मैंने कहा आप जो है ना ये लाइट्स ऑन कर दें, पंखे ऑन कर दें, लेकिन बस ये था कि ज़रा निज़ाम ठीक नहीं था, कोई किसको कहता था फिर वो अगले को, फिर इस तरह से। फिर मैंने कहा सोबिया से, मैंने कहा सोबिया बस चलो गर्मी बहुत शदीद हो रही है और यहाँ पर बैठा नहीं जा रहा। तो जनाब अब आप ये देखें, हमारे मुल्तान को बहुत ज़्यादा डेवलप तो किया जा रहा है, लेकिन ये है कि हमारा वही हाल है कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, ठीक है ना। अगर मैं अपने मज़ारों की जो मैं जिसका मुझे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि अगर आप वो देखें तो उनकी हालत जो है बहुत खस्ता हो चुकी है, और ये बेहतरीन हो गई हैं चीज़ें। मेरा और सोबिया का ये प्लान था, अगर वो पंखे और लाइट्स ऑन करते हैं तो वो फिर ये करेंगे कि हम जो है ना यहाँ पर बैठ के कोई मिनरल वाटर या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेंगे, लेकिन वो गए हैं कि जी हम लाइट्स वगैरह ऑन कर देते हैं। लेकिन वही वाली बात कि जी जाके तुम करो, जाके तुम करो, जाके तुम करो, बस वो इसी चीज़ में जो है ना टाइम काफ़ी लग गया। और फिर हमने यहाँ से निकलने वाली की, गर्मी बहुत, हब्स बहुत अंदर हो रहा था। फिर हमें देखकर फिर और भी कुछ लोग आए, जो कि उनको मैंने कहा कि जी आप मेहरबानी करें, आप पहले इजाज़त ले लें और उसके बाद फिर आप अंदर आइएगा।
ये कैसे बना रहे हो, कैसे बनाए हैं ये वाला? बनाया। अच्छा वो दिखाओ, वो आलू दिखाओ जरा। हाँ ये अच्छा, ये इसमें डाल के और फिर कैसे किया है? ऐसे ऐसे कैसे किया है? ऐसे घुमा दिए। अच्छा दिखाना जरा बना के, इसमें डाल के दिखाओ। ये इधर क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद चेजान। और फिर हमने ये जो अलम आप देख रहे हैं, ये चौक घंटा घर पे अलम लगा हुआ है, काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा अलम और ऊंचा ये लगा हुआ है। तो बस यहाँ पर ज़्यारत की हमने, ज़्यारत करने के बाद मैंने सोबिया को उसके घर, मैंने उसको ड्रॉप किया। काफ़ी देर हो गई, तकरीबन हमें 2-2.5 घंटे हमें लगे हैं। मेरी नसीबा च लिखी नहीं औलाद वे, ओ हाला सुना दे। रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, देख तू इंदा वास्ता, ओ मंग ले दुआ। रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलाद है, कीते हुसैन मेरी झोली आबाद। मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलाद है, कीते हुसैन मेरी झोली आबाद। सतपुत्र दे आख्या राहिब तुजा, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने। कोई गम ना हो सिवाय गमे हुसैन के। और जनाब अब हमें दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी अच्छे से कंटेंट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे भी और हमारी मुल्तान की जो हैं सोबिया मलिक। सोबिया मलिक का मैं थोड़ा सा आपसे तारुफ करवाऊंगी। ये माशाल्लाह से नात खां भी हैं यहाँ पर मुल्तान की, बहुत फेमस। और उसके बाद ये रेडियो में, और उसके बाद रेडियो पाकिस्तान वहाँ पर, और उसके बाद जनाब पीटीवी है ना जी जी, हाँ पीटीवी वहाँ पर ये जनाब अपने जो है अपनी आवाज़ के खूबसूरत रंग ये दिखाती रहती हैं, बिखेरती रहती हैं। और मेरे घर में भी तकरीबन सोबिया को 6 से 7 साल हो गए हैं। जब भी मेरे घर में शहजादा अली अकबर का जश्न होता है तो जनाब हदीसे किस्सा के बाद मनकबा जो होती है और वो ये करती हैं, सोबिया करती हैं। और आप यकीन कीजिएगा कि इतना खूबसूरत पढ़ती हैं सोबिया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आपकी दुआएं, आपकी दुआएं। मेरे सुनने वाले, देखने वाले मेरी आंखें पे अमल करे सर।
سب تو زیادہ شیئر کرے سن لائک سی دے کمنٹ وغیرہ دے انشاءاللہ ٹھیک ہے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ یعنی مدد مولا علی جس کا مدد اوکے چلو گھر چلو بس انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اور اب جناب صوبیہ کو ڈراپ کرنے کے بعد میں جا رہی ہوں اپنے گھر اپنی شاہی سواری پر چاچا کے رکشے پر اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بس جیسے ہی گھر پہنچی ہوں نا تو جناب فوراً بارش ہوئی ہے اور کافی تیز بارش ہوئی ہے آپ کی کمنٹس کا رہے گا مجھے انتظار کیونکہ آپ کے کمنٹس سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ہوگی آپ سے ملاقات دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ